हेलो गाइस, वेलकम टू द टॉयबीस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ रिमोट कंट्रोल मिलिट्री ट्रक की अनबॉक्सिंग। और गाइस, ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। इधर लिखा हुआ है हाई स्पीड मोटर, यानी कि इसमें हमें हाई स्पीड मोटर देखने को मिलती है, मिलिट्री रेडियो कंट्रोल, और इधर हमें ट्रक की पिक्चर शो की हुई है, डिफेंस जस्टिस। तो इस बॉक्स को रखते हैं साइड में। और गाइस, अगर इस ट्रक की प्राइस की बात करें तो ये हमें 400 रुपये का अमेजोन पे मिलता है। देखने में तो ट्रक ये काफ़ी ही अमेजिंग लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सच्ची में एक मिलिट्री ट्रक हो। ये हमें एक येलो कलर की शेड में मिलता है, जो कि बिल्कुल मिलिट्री से मिलती जुलती है। जैसे मिलिट्री का कलर रहता है, उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे हमें शेड दी हुई है। इधर लिखा हुआ है मिलिट्री प्लस, और इनका साइन बना हुआ है स्टार की शेप में। आप देख सकते हैं आगे से ट्रक कुछ इस हिसाब से। इधर की साइड उन्होंने लाइटें नहीं दी, खैर 400 रुपये में इसमें लाइट मिलनी ही नहीं थी हमें। और इधर की साइड एक स्टेयरिंग व्हील दिया हुआ है, पीछे की तरफ भी ये कुछ ऐसा है, पीछे की तरफ भी कोई लाइट नहीं मिलती। इधर इसका एक स्टील में हमें एंटीना दिया हुआ है, इधर भी इसकी जो विंडोज़ है उन पे भी हमें कोई शीशा नहीं दिया हुआ है। गाइस, वैसे 400 रुपये के हिसाब से ना इसका मुझे साइज़ छोटा लगा है, थोड़ा सा और बड़ा साइज़ का होता तो काफ़ी ही अच्छा होता। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो 400 रुपये के हिसाब से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। तो बिल्ड क्वालिटी तो उन्होंने काफ़ी अच्छी दी हुई है। नीचे की साइड हमें यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच मिलता है, और इधर हम इसमें बैटरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरीज मैंने पहले से ही इंस्टॉल की हुई हैं। और अगर इसके टायर्स की बात करें तो टायर की भी क्वालिटी इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। प्लास्टिक के टायर हैं, इन पर कोई भी रबड़ कोटिंग हमें नहीं दी हुई है। और इसका जो लोडर है, इसकी भी क्वालिटी सही दी हुई, लेकिन मुझे साइज़ में थोड़ा छोटा लगा। और गाइज, अगर इसके रिमोट कंट्रोल की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस हिसाब से रिमोट कंट्रोल है, छोटा सा इन्होंने रिमोट कंट्रोल दिया है। हाथ में तो ये काफ़ी अच्छी ग्रिप है। यहाँ पे हमें 2 बटन मिलते हैं, एक आगे जाने के लिए, एक पीछे के लिए। और यहाँ पे पीछे की तरफ हम बैटरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बैटरीज पहले से इंस्टॉल की हुई हैं। अगर इसकी भी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठाक इन्होंने बिल्ड क्वालिटी बनाई हुई है। इधर लिखा हुआ है RC रेडियो कंट्रोल। और गाइज, इसमें हमें ना कोई भी लेफ्ट और राइट के लिए एक डेडिकेटेड बटन नहीं मिलता। जब मैंने इसको परचेज करा था तो मुझे लगा कि इसमें एक डेडिकेटेड बटन होगा लेफ्ट और राइट के लिए, लेकिन इसमें लेफ्ट और राइट के लिए हमें बटन नहीं दिया हुआ है। कुछ यहाँ पे गैप देके एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिससे कि लेफ्ट और राइट हो जाता है। खैर, जब हम इसको अच्छी तरीके से इंडोर में टेस्ट करेंगे, जब देखेंगे कि ये कितना अच्छा वर्क करता है। एक बार इसकी व्हील स्पीड चेक कर लेते हैं, क्योंकि बॉक्स पर लिखा हुआ था कि इसमें हाई स्पीड मोटर है। तो गाइस, व्हील स्पीड तो बहुत ही अच्छी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 400 रुपये में एक इतनी अच्छी मोटर हमें देखने को मिल जाती है, इतनी अच्छी स्पीड के साथ।
तो गाइस देखा आपने 400 रुपए में हमें कितना अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, कितना अच्छा वर्क करता है। जब मैंने इसको 400 रुपए का बाय करा था तो मुझे लगा कि मेरे पैसे तो बर्बाद, क्योंकि मुझे एक तो इसका साइज छोटा लगा और ऊपर से इसमें कोई भी डेडिकेटेड मैकेनिज्म नहीं था लेफ्ट और राइट के लिए, ना ही कोई डेडिकेटेड बटन दिया हुआ था इसको लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए, तो मुझे लगा मेरे 400 रुपए बर्बाद। लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट करा तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ। एक तो इसमें हमें एक हाई स्पीड मोटर देखने को मिलती है जिससे कि ट्रक को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्पीड मिलती है। अब तक मैंने जितने भी टॉयज़ अनबॉक्स करे हैं, जितने भी टॉयज़ रिव्यू करे, उनमें सबसे तेज़ यही ट्रक मुझे लगा। और ऊपर से इसका जो लेफ्ट और राइट का मैकेनिज्म जो थोड़ा बहुत दिया हुआ है ना, वो भी मुझे अमेजिंग लगा। जब भी आपको इसे टर्न करना होता है तो आपको इसे बैक वाला बटन दबाना है, तो ये हल्का सा यूँ टर्न हो जाता है, फिर आप इसे आगे कर दीजिए, फिर इसको बैक कर दीजिए, फिर ये टर्न हो जाएगा, फिर आप इसको आगे कर दीजिए, तो ये इस हिसाब से टर्न लेफ्ट और राइट हो जाता है। और ऊपर से इसमें एक स्टंट का फैक्टर भी आता है, आपने देखा होगा जब हम इसको हाई स्पीड में आगे चला रहे होते हैं तो एट अ टाइम अगर आप इसके बैक वाले बटन को प्रेस कर देते हैं तो ये अपने एक्सिस पर कुछ यूँ घूम जाता है। और ऊपर से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी। और गाइस जब हमने इस पर वेट रखा तो इसने वेट को भी आसानी से आगे पीछे मूव कर दिया, तो उस हिसाब से मुझे ट्रक काफ़ी ही अमेजिंग लगा। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप 400 रुपए में इसको बाय कर सकते हैं, बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।